सिस्टम राव साहब और एल्विश यादव, न जाने किन किन नामों से एल्विश को सम्मान दिया जाता है, लेकिन एल्विश यादव की हकीकत आज आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। ऐसी हकीकत जिससे पढ़ी लिखी लड़कियों को तो नफरत ही हो जाएगी। एल्विश यादव उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि लड़कियां बनी ही घर का काम करने के लिए होती हैं, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, रसोई का काम और यही सब। तभी तो एल्विश घर के अंदर मनीषा से झूठे बर्तन उठवाते हैं, बिस्तर पर खाना मंगवाते हैं, उनसे अंडरवेयर तक धुलवाते हैं। यकीन नहीं होता तो एल्विश की ही जुबानी सुनिए। बहुत मेन क्वेश्चन है लड़कियों से, देखो मैंने जहां तक देखा है गर्ल्स, देखो उसमें लड़कों से तो कम दिमाग होता है गर्ल्स में, देखो नो प्रॉब्लम, ये तो फैक्ट कह दिया उन्होंने, है ना भाई। लड़कियों में देखो थोड़ा सा कम दिमाग होता है, मतलब आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, और कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें और नीचे होती हैं वो तो मैं पूछना चाहता हूँ लड़कियों से कि भाई तुम लोग इतना क्यों सोचते हो, व्हाई, तुम पे और कुछ काम नहीं है क्या? किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी और वो मेथी काटनी या फिर वो झाड़ू पोछा, शिट, ये काम तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगते सोचने से? मुझे बताओ एक चीज है, मान नहीं रही है पब्लिक यार, समझ नहीं, रोटी रोटी कौन बनाओगा? हम बनाएंगे क्या रोटी, सेठ आदमी हैं हम तो, खानी है तो यार देखो इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स, अपने वैसे भी थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा यार, ये बुद्धि तो उसको कंज्यूम भी कम करो, और ज्यादा टाइम भाई देखो एक ज्ञान नहीं, वो चीज भूल गया मैं, एक चीज डस्टिंग डस्टिंग आप में जरूरी है भाई। ये ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण आज तक 2023 तक लड़कियों को उठकर अपने लिए बराबरी मांगनी पड़ती है। ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से आज भी लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज भी लड़कियों को स्कूल तक जाने में संघर्ष करना पड़ता है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने में, अपने फैसले खुद लेने में इन सब के लिए लड़ना पड़ता है। एल्विश यादव, आपकी ये बातें सुनने के बाद हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आपके लिए मन में जितना सम्मान था वो अब कहीं खो सा गया है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।